ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के एयरपोर्ट पर फायरिंग। फायरिंग के बाद एयरपोर्ट को खाली कराया गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं। 8 से 10 बार गोलियों की आवाज सुनी गई। सीसीटीवी फुटेज में हुआ खुलासा। एक ही शख्स ने किया था हमला। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग के बाद कैनबरा एयरपोर्ट में मची अफरा तफरी। यात्री विमान में घंटे भर से इंतजार कर रहे हैं। फायरिंग की घटना के बाद कई उड़ानों पर पड़ा असर। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका जेके रॉलिंग को मिली जान से मारने की धमकी। ईरान समर्थक कट्टरपंथी ने ट्विटर पर दी धमकी। आरोपी ने सलमान रश्दी पर हुए हमले का किया समर्थन। पुलिस ने पिटाई करने वाले 40 साल के टीचर चैल सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी अध्यापक पर भी हत्या और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अगले आदेश तक जालौर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जिले में रात 3 बजे से इंटरनेट सेवा बंद है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मासूम की मौत पर गहलोत सरकार पर बीजेपी ने लगाया आरोप। प्रदेश सरकार पर गंभीरता से काम न करने का आरोप। मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का निधन। लंबे समय से बीमार थे झुनझुनवाला। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में ली उन्होंने आखिरी सांस। 60 साल की उम्र में हुआ निधन। महाराष्ट्र में शिव संग्राम पार्टी के अध्यक्ष विनायक मेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। विनायक मेटे 3 बार विधायक रह चुके थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसे में मेटे की मौत हुई। आजादी के अमृत महोत्सव तिरंगा मार्च में मोटरसाइकिल रैली के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। जीपीओ पार्क हजरतगंज से शुरू होकर 5 कालिदास मार्ग पर खत्म हुई ये रैली। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर पर हुई स्वीट एक्सचेंज सेरेमनी। सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच मिठाइयों का हुआ आदान प्रदान। हिमाचल के मंडी में स्वतंत्रता दिवस का जश्न। देर रात रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक विक्टोरिया पुल। जम्मू कश्मीर में BSF ने निकाली तिरंगा यात्रा। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए कई लोग। पंजाब के लुधियाना में तिरंगा रैली में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कई बीजेपी नेता हुए रैली में शरीक। केंद्रीय मंत्री का बयान, हर तरफ हर ओर राष्ट्रवाद की लहर है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झारखंड के देवघर में बीजेपी ने निकाली तिरंगा बाइक रैली। प्रदेश के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह हुए शामिल। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल पर तिरंगा यात्रा निकालने पर केस दर्ज। कुलजीत चहल पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। यूपी के सहारनपुर में हाथ में तिरंगा लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर 6 स्कूली छात्र सस्पेंड। तिरंगा रैली के बीच लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बिहार के समस्तीपुर में ब्रेकअप पार्टी में पिस्टल से केक काटने का वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के फर्रुखाबाद में दबंगों ने इटावा बरेली हाईवे पर फायरिंग की। फोटोग्राफर कौशल कुमार की गोली मारकर हत्या की। युवक की मौके पर ही मौत। हमलावर फरार। MP के मुरैना में कांग्रेस नेता पर फायरिंग। आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने फैलाई दहशत। लाइब्रेरी का उद्घाटन करने गए थे नेता। 4 आरोपियों की पहचान। दिल्ली के मालवीय नगर में हुई युवक की हत्या में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक ने आरोपी की मां को गाली दी थी, जिसके बाद आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। दिल्ली के एम्स में छात्रों का प्रशासन के खिलाफ हंगामा। साथी छात्र की मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार। पंजाब का बड़ा ड्रग तस्कर हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार है। दिल्ली पुलिस ने की गिरफ्तारी। अफगानिस्तान से हेरोइन मंगवा कर करता था पंजाब में सप्लाई। भोजपुरी गायक विनय शर्मा को ड्रग तस्करी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। आरोपी गायक से 21 किलो गांजा बरामद। भोजपुरी फिल्मों में 100 से ज्यादा गाना गा चुके हैं। झारखंड के दुमका में शराब के नशे में हेडमास्टर स्कूल में सोते हुए आए नजर। गांव वालों ने हेडमास्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। शिकारीपाड़ा का मामला। बरेली में कैनवेज कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी पर देश के लाखों लोगों के साथ करोड़ों के फर्जीवाड़े का केस दर्ज। झारखंड से कई लोगों ने बरेली पहुंचकर किया प्रदर्शन। अब तक आरोपी की नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। हरियाणा के यमुनानगर में मां पर लगा अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 साल की मासूम की हत्या का आरोप। बेटे ने हत्या का राज खोला। आरोपी मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बीजेपी पूरे देश में निकालेगी मौन मार्च। JP नड्डा जंतर मंतर पर मार्च में शामिल होंगे।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन के बाहर मौन मार्च निकालेंगे। सरदार पटेल की प्रतिमा और भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम में हर हाथ तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होंगे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी आज शाम तिरंगे को थामे हुए राष्ट्रगान में लोगों के साथ शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। बापू की छोटी सी भूल ने भारत को टुकड़े कर दिए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का आपत्तिजनक बयान, कहा बापू की भूल से देश का बंटवारा हुआ। बापू अंग्रेजों से बातचीत के लिए सरदार पटेल को ADC चुनते तो बंटवारा नहीं होता। बापू अगर जिन्ना और नेहरू को अपना ADC नहीं चुनते अंग्रेजों से वार्ता के लिए तो भारत के टुकड़े नहीं होते। इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस का हमला, सांसद रंजीत रंजन ने कहा बापू किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी के कहने से छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे। बापू जी आपकी सोच और आपके परिचय के मोहताज नहीं है। आपने 52 इयर्स तक देश का झंडा ही नहीं फहराया, तो आप ये बताएं कि आप देश के लिए और युवाओं के लिए नौकरियां कब देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधायकों के बगावती रुख को देखते हुए शिंदे सरकार ने 15 अगस्त तक मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का ऐलान किया है। कल ही विधायक संजय शिरसाट ने ट्वीट कर जताई थी नाराजगी। बिहार में नीतीश सरकार में मंत्रालय के बंटवारे का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के दलों को 17 और JDU और हम को मिलाकर 14 मंत्री पद देने पर बात बनी। महागठबंधन के जितने भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व, चाहे चुरी साहब हो, राजा साहब हो या मैडम सोनिया गांधी, सब लोग अब इस काम में लगेंगे। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर तिरंगा रोशनी की गई। हावड़ा स्टेशन भी तिरंगे से रोशन हुआ। कारम नदी पर बने बांध से नियंत्रित तरीके से पानी निकालने का काम शुरू हुआ। प्रशासन को उम्मीद है कि पानी छोड़ने की गति बढ़ाने से बांध टूटने का खतरा कम हो जाएगा। धार जिले में निर्माणाधीन डैम से पानी का रिसाव जारी। बढ़ते खतरे की वजह से सरकार ने रणनीति बदल दी। विशेषज्ञों की सिफारिश पर दूसरी जगह खोदी जा रही है नहर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर अपील की, गांव में कोई भाई बहन ना रहे इसके लिए हमारी पूरी टीम घूम रही है। प्रशासन, आर्मी, SDRF व NDRF की टीम फील्ड में तैनात है। धार में बांध के ऊपर हेलीकॉप्टर से डैम का निरीक्षण लगातार जारी है। कल भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के तिब्बती मार्केट के निचले इलाकों में कई घर डूबे, लोगों की फसलें भी बर्बाद, कई लोग अपने गांव वापस लौटने लगे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से खादर के लोग हाईवे पर रहने को मजबूर, लोग बोले सरकार से कोई मदद नहीं, खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न, प्रेमनगर अंडर ब्रिज में भी भरा पानी, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। नीलांचल इस्पात कंपनी को सरकार ने टाटा ग्रुप की एक फर्म को सौंपा। 2 साल से बंद पड़ी थी कंपनी, जल्द शुरू होगा काम। कंपनी पर करोड़ों रुपए से ज्यादा का कर्ज है। स्पाइस जेट ने अपने कस्टमर्स के लिए शुरू की नई सुविधा। यात्री फ्लाइट में रहते हुए भी टैक्सी की बुकिंग स्पाइस स्क्रीन के जरिए कर सकेंगे। कैब कैंसिल करने पर नहीं लगेगा चार्ज। देश में अब तक 75,000 स्टार्टअप शुरू। IT इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टार्टअप रिकॉर्ड हुए। 1 अप्रैल 2021 से भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लागू की थी। पेटीएम ग्राहकों को अब पेटीएम वॉलेट से क्रेडिट कार्ड का बिल देने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। 10,000 रुपए से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड बिल पर 1.18% चार्ज देना होगा। मोटो रोजर 2022 में धमाकेदार फीचर्स, 50 मेगापिक्सल कैमरा, कंपनी का दावा। प्री बुकिंग में 5 मिनट में 10,000 लोगों ने फोन को खरीदा। YouTube ऑनलाइन स्टोर जल्द होगा लॉन्च। YouTube का ऑनलाइन स्टोर स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए पेश किया जाएगा। YouTube इसके लिए कई बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों से बातचीत कर रहा है। Samsung Galaxy Buds 2 Pro की प्री बुकिंग 16 अगस्त से शुरू होगी। कंपनी ने हाल ही में इसे Galaxy Fold 4 और Galaxy Flip 4 के साथ लॉन्च किया है। भारत सरकार ने VLC मीडिया प्लेयर बैन किया। इसका इस्तेमाल चीन को सपोर्ट करने वाले हैकिंग ग्रुप सिकाडा द्वारा साइबर हमलों के लिए किया गया था। राजू श्रीवास्तव की MRI रिपोर्ट में खुलासा, ब्रेन के ऊपरी हिस्से में इंजरी। डॉक्टर का दावा, ऑक्सीजन न पहुंचने से पड़ा घाव का निशान। 10 तारीख को जिम में पड़ा था दिल का दौरा।
ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमंत दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।